हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, और इसमें मैं आपको नेक और स्लीव का ब्यूटीफुल और इजी डिज़ाइन बताऊंगी जिसे बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये गोटा पट्टी लेस ली है, और कुर्ती बनाने के लिए 2.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक को हम ओपन करके इसे लंबाई से इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे। ये ओपन साइड और नीचे इसकी फोल्डेड साइड है। अब इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस फैब्रिक को हमें इस तरह 4 फोल्ड करना है, और ये 4 फोल्ड मैंने 11 इंच तक किया है। जो भी हमारा हिप साइज हो उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इस हिसाब से 11 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया है। अब यहाँ से हम फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह। तो ये फैब्रिक बाद में स्लीव और नेक के लिए यूज़ होगा। अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 41 इंच, 41 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो 43 इंच मैंने कुर्ती की लेंथ ली है। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच। अब यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइंट करते हुए स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे, और 20 से 21 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली सभी साइज के लिए हम 20 इंच पे लगाते हैं, लेकिन अगर आप साइड कट यानी साइड चाक थोड़े लंबे पहनते हैं तो आप 21 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब इन सभी निशान को इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन है। अब यहाँ पर हम पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 34, 34 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 8.5 इंच। अब यहाँ पर वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है इसकी 28 इंच, तो 28 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 7, तो 7 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरह नीचे हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 36, 36 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं 9, तो 9 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना मैंने हिप लिया है उतना ही बॉटम रखूंगी, क्योंकि ये मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ। अगर आपको बॉटम से ए लाइन शेप चाहिए तो जितना आपने हिप लिया है उससे 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो बॉटम भी रखूंगी मैं इसकी 9 इंच। अब इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच, और इसमें लूजिंग भी ऐड है। और अब इन सभी निशान को भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब आर्मोल का शेप बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक आर्मोल है, और 1/2 इंच अंदर से इस तरह से फ्रंट आर्मोल बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 2.75 इंच, और नेक की लंबाई रखूंगी 3.5 इंच बैक के लिए, और फ्रंट के लिए रखूंगी 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक डीप रख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे, और इस बॉक्स में नेक का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों साइड। अब यहाँ शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह। तो ये मार्किंग हो गई है हमारी। अब बैक नेक और बैक आर्मोल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो नीचे से जो फोल्ड था उसे मैंने कट कर लिया है, और अब बैक पार्ट को अलग रखेंगे, और फ्रंट पार्ट को इस तरह फोल्ड करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट आर्मोल और नेक कट कर लिया है, और अब इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड करके रखा है। तो स्लीव लेंथ है यहाँ पर 15 इंच, इसमें आगे 2 इंच का कफ अटैच करेंगे तो होगा 17, और 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो रेडी होने के बाद 16 इंच हमारे स्लीव की लेंथ रहेगी। अब यहाँ ओपन साइड से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से एक निशान 2 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
इस तरह। और देखिए यहाँ से स्लीव की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, जो भी हमारे आर्महोल हो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब इस लाइन से यहाँ से इस तरह स्लीव का शेप बनाएंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे, बॉटम है इसके 5.5 इंच, इसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो 7 इंच पे स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, देखिए इस तरह। अब स्लीव के सेंटर में एक कट लगाएंगे और अब स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्महोल कट करेंगे। तो फ्रंट आर्महोल कट करते समय स्लीव की रॉन्ग साइड या राइट साइड मैच करते हुए होना चाहिए और इस तरह आर्महोल कट कर लेंगे। और अब आगे कफ बनाने के लिए 2 फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई है 5 इंच, तो इस तरह आगे कफ अटैच होगा। तो कटिंग हो गई हमारी, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो देखिए इसमें से हम एक पट्टी लेंगे और इसे फोल्ड करके दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। और अब इस पट्टी को फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह हम इसके 2 पार्ट कर लेने हैं और कोने को आगे से थोड़ा सा कट कर देंगे और इस पट्टी को सीधी कर लेंगे। और आप इसमें बुकरम भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पट्टी को सीधी कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स लेंगे, स्लीव के बॉटम के सेंटर में मार्क करेंगे और अब इन दोनों पट्टी को सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। और देखिए दोनों पट्टी की फोल्डेड साइड सेंटर में रखना है और बराबर मिला के सीधा स्टिच कर लेंगे। और अब पट्टी को आगे की तरफ टर्न करेंगे और ऊपर से प्रेस कर लेंगे इस तरह, और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह ब्यूटीफुल कफ स्लीव डिजाइन बनेगा। सेम इसी तरह हमें दूसरी स्लीव भी रेडी करनी है। अब इसका नेक रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट के सेंटर में एक लाइन बनाएंगे कमर लेंथ तक। और अब एक फैब्रिक की पट्टी लेंगे, इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच। और 1 इंच चौड़ी कैनवास की स्ट्रेट पट्टी लेंगे। इस पट्टी को फैब्रिक पट्टी के सेंटर में रखेंगे बिल्कुल, और दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है और बड़े नंबर की सिलाई लगानी है हमें। और अब हम इस लेस को साइड से इस तरह अटैच करेंगे। और अब नीचे से पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और लेस को भी नीचे से फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे, देखिए इस तरह से। जो हमने बड़े नंबर की सिलाई लगाई थी उसे इस तरह खोल देंगे। अब इस नेक पट्टी को हम कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो पट्टी के सेंटर में मार्क करेंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब इस पट्टी को नेक के सेंटर में रखेंगे बिल्कुल, जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है उस लाइन से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि पट्टी क्रॉस में अटैच ना हो। और अब इस पट्टी को साइड से और नीचे से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लेंगे ऊपर से और इस पट्टी पर हम बाद में इस तरह के फैंसी बटन अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल और सिंपल नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, जिसे बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं।
अब देखिए मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस पट्टी ली है। इस पट्टी को आगे से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और यहाँ शोल्डर के पास मिलाते हुए रखेंगे और पूरे राउंड में इसे अटैच कर लेंगे। और अब नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पूरे राउंड में। सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखना है। अब जो सिलाई मार्जिन है उसे आगे रखेंगे और इस पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ किनार पे पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब इस पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे नेक राउंड में टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अच्छी फिनिशिंग के लिए बाद में हम नेक पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है। अब बस हमें इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव के फ्रंट आर्मोल और कुर्ती के फ्रंट आर्मोल को मैच करते हुए हम स्लीव को कुर्ती पर रखेंगे और सेंटर से बराबर मिलाते हुए इस तरह हम दोनों स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पर हम इसकी दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसके दोनों साइड और बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरह हमें इसकी दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेनी है और बॉटम से भी इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए स्लीव्स का लुक इस तरह आएगा। इसमें स्लिट रहेगी कफ में और इस नेक पट्टी पर मैंने फैंसी बटन्स भी अटैच कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।